इस मशीन का वजन है सर मात्र 75 ग्राम। अच्छा जी, मात्र 75 ग्राम है। 75 ग्राम की इस मशीन के ऊपर जो है क्विंटल वजन रख सकते हैं। अच्छा जी, कहीं की एलटी फाइबर होता है सर, प्लास्टिक नहीं होता जी, ये टूटता नहीं है। हमारा वजन जो है 70 kg जी जी जी। इस मशीन के ऊपर चढ़ के दबाव दे रहे हैं। टेस्ट को सवाल चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट तेल में फ्राई करना चाहते हैं, डायरेक्ट तेल में फ्राई करेंगे। यही चीज जो है आप पैकेट से खाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसका केवल जो है लंबाई काटना है, चौड़ाई नहीं करना। इसमें केवल ऊपर से दबाव दिया जाएगा। दबाने से जो हर मॉडल का हर डिजाइन का आइटम निकलेगा आपका। दबाते जाएंगे, बैक में हैंडल दिया है कंपनी, हैंडल को चलाते जाएंगे। हैंडल का काम होता है डिजाइन बनाने का। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज ये वीडियोस को आप अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा मशीन दे रहा हूं जो मात्र 50 रुपये का है। और आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये हाथ वाली मशीन है, मतलब हाथ से चलता है। इसमें डीजल और पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं है, ना ही आपको बिजली बिल देना है। प्रैक्टिकल मैं चल के दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे बनेगा और आप किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यदि चाहें तो आप मशीन को ही बेच सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस भाई के पास जा करके, और वहाँ पे आप मतलब वीडियोस में आप अंत तक रहेगा, स्किप करेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना छोटा छोटा मशीन लाता हूँ, इतना बेहतरीन बेहतरीन मशीन लाता हूँ जो अभी आप नहीं देखे होंगे या फिर बिल्कुल नया होता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ प्रैक्टिकल की किस तरीके से ये बनता है और किस तरीके से ये काम करता है। और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन है, उसके नीचे मैंने एक लिंक दिया है, मेरा आरके टूल ब्लॉग्स चैनल है, ठीक है। उस पर भी आप जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देता हूँ, बार बार आपसे बोलता हूँ कि उस पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के साथ यदि कुछ हो जाता है तो हम उससे जुड़े रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी, ठीक है। और नॉलेज वाली वीडियो जो भी है मैं उस पर भी अपलोड करता हूँ, तो उसको भी आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं जगह पर कि क्या है, किस तरीके से देखते हैं, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। सर ये बताइए जी सर, कि ये जो आप आगे लगा रखे हैं जी जी, तो ये क्या चीज़ है? ये रेशन का है सर। वो भी रेशन का है जी। इसमें कलर का सिर्फ अंतर है जी, कलर जो है इसमें येलो कलर का, चंपई कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये अगर मशीन अगर ज़्यादा संख्या में लेना हो तो दुकान करने के लिए जी, तो ये कस्टमर को कहाँ मिलेगा? इंडिया के किसी भी कोने में इस मशीन को आप प्राप्त कर सकते हैं, प्रचार के पास, दुकान में किसी की नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब ये घर पे बनाकर खा सकते हैं? हाँ, घर पे ही बनाए तो इसको बिजनेस भी कर सकते हैं जी। ये तो आपका ऊपर निर्भर करता है जी। जी बिल्कुल। खाने के घर में दाल का बेसन हो, या चाहे घर में आपके आलू हो, चाहे घर में मक्का ज्वार हो, चाहे घर में सूजी साबूदाना हो, कोई भी चीज को खाना है तो अपने हिसाब से इसमें सवा डाल दीजिए। पानी से गीला करना चाहते हैं तो पानी से गीला कर दें, या बिना गीला किए हुए बना सकते हैं। तो आलू है, बिना गीला किए हुए बन सकता है। इसमें कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, तो जैसे फुल स्टार के डाई दीजिए आप। कोई डाई एक मशीन के ग्लास में रखना है, एक सिंगल ही रखना है। 15 जाली दिए रहा है तो आप 15 जाली जो पारा पारी करके डालेंगे। इस पेस्ट को रोल बनाए और रोल बना के इस मशीन के अंदर भर दें। भरने के बाद में क्या करना है सर, तो पिस्टन दिया ऊपर से दबाव देने के लिए। जब आप दबाव देंगे तो सांचे के हिसाब से निकलता है। दबाव देते रहेंगे, हैंडल को चलाते रहेंगे। हैंडल का काम होता है डिजाइन बनाने का, जो बढ़िया से बढ़िया सुंदर से सुंदर डिजाइन बनाने का काम करता है। ये बम्बैया चाकली मिठाई है, इस प्रकार की मिठाई किसी की दुकान में आपको नहीं मिलता। ये चीज जो खरीद के खाते हैं, जो पैकेट जो 2 महीना 3 महीना के बना रहता है, पता नहीं कि ये क्या चीज का है, आप लोग इसका स्वाद खाते हैं। घर में दाल का फुलौरी बनाना चाहते हैं, दाल बड़ा बनाना चाहते हैं, रसगुल्ले पे क्रीम चढ़ाना चाहते हैं, इस डाई से निकाल सकते हैं। एक सिंगल डाई फुल स्टार से आपको 3 डिजाइन दिखाया है, जिसमें आपको 15 डाई कंपनी फ्रीम दे रहा है। इस कंपनी का नाम होगा रूबी कंपनी, जो महानगर मद्रास का फेमस कंपनी। एक घरेलू मशीन होगा जो नवरात्र के शुभ अवसर पे कंपनी प्रचार करने को आ गया।
जैसे अपने घर में जिलेबी खाने के शौक रखते हैं तो घर में जिलेबी बना सकते हैं। ये कंपनी का प्रचार होगा, जिस कंपनी का नाम होगा रूपी कंपनी, जो महानगर मद्रास का फेमस कंपनी है। कोई भी पर्व त्योहार पड़ जाए, चाहे आपके दरवाजे पर दो चार दोस्त मेहमान गेस्ट आ जाता है, तो इस मशीन से जो है आप 500 प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं। इस मशीन को घुमाना नहीं है, इस मशीन को जिधर लेके जाइएगा उधर ही घूमते हुए जाता है, घुमाने का तरीका नहीं होता। ये कंपनी का प्रचार है, जिस कंपनी का नाम है रूपी कंपनी। केवल ऊपर से दबाना है, इस एक बराबर दबाव दीजिएगा तो एक के दर पे हनुमान जी का कुर्सी बना देगा, घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं होता। इस मशीन को जिधर लेके जाइएगा उधर घूम फिर के जो है जाएगा। ये कंपनी का प्रचार है, जिस कंपनी थ्रू आप 500 प्रकार के जो पैकेट खरीद के जो नमकीन भुजिया खरीद के खाते हैं आप शौक से, ये क्या चीज का होता है, मक्का का होता है। ये शुद्ध चना बेसन का नहीं होता है, जो शुद्ध चना बेसन समझ के आप खा रहे हैं। अपने घर में बनवाइएगा, शुद्ध बनाइएगा, अपने हाथ से खाइएगा, चाहे आप घी में फ्राई कीजिए चाहे कड़ू तेल में फ्राई कीजिए, ये आपके ऊपर होता है। ये कंपनी का प्रचार है, जिस कंपनी का नाम होगा रूपी कंपनी, जो महानगर मद्रास का फेमस कंपनी है। रियल दाम होगा, सब भाई बहनों के लिए आराम होगा, कम दाम होगा, मात्र 50 रुपया दाम होगा। भुजिया जो खरीद के खाते हैं क्या चीज का होता है, आलू का होता है। आलू को कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें आलू को उबाल देना है, छिलका उतार लेना है, 1 किलो आलू में 100 ग्राम बेसन डाल देना है, पेस्ट को जो है गीला कर लेना है, स्वाद इसमें नमक जीरा मिर्चा पाउडर रहेगा, पेस्ट को स्वाद चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट तेल में फ्राई करना चाहते हैं डायरेक्ट तेल में फ्राई करेंगे, यही चीज जो है आप पैकेट से खाते हैं। ये अपने घर में बनेगा, आपके हाथों से बनेगा, शुद्ध बनेगा, ताजा बनेगा। धूप में सुखाना होगा, पेपर प्लास्टिक कपड़ा दे दीजिए, धूप में सूख जाए तो चाहे इसको दूध में डाल के खाए चाहे इसको तेल में फ्राई करके खाए, ये आपके ऊपर होता है। जिस कंपनी थ्रू आप 500 प्रकार के मॉडल आइटम नमकीन भुजिया कुरकुरे बिस्कुट सब तैयार अपने घर में कर सकते हैं। इसमें नमक डालेंगे नमकीन लगेगा, चीनी डालेंगे मीठा लगेगा, मीट डालेंगे तीखा लगेगा, कुछ नहीं डालेंगे फीका लगेगा। जैसे अपने घर में डबल नमकीन निकालना चाहते हैं, यही नमकीन जो देखे होंगे आलू भाई भैया जो है चाक बेलना पर बेल के चाकू से काट काट के बनाते हैं छोटा बड़ा। इसमें आपको क्या करना है, इसका केवल जो है लंबाई काटना है, चौड़ाई नहीं करना है। इसमें केवल ऊपर से दबाव दिया जाएगा, दबाने से जो हर मॉडल का हर डिजाइन का आइटम निकलेगा आपका। दबाते जाएंगे, बैक में हैंडल दिया है कंपनी, हैंडल को चलाते जाएंगे, हैंडल का काम होता है डिजाइन बनाने का। अब ऐसा नहीं है कि घर में जाइए खाली हैंडल को चलाइए, ऊपर से दबाव आप देवे ना करें, तो ऊपर से दबाव भी देना है, हैंडल को भी चलाना है। इसी को छोटा बड़ा जब कटिंग कर देंगे तो ये नमकीन में आ जाएगा, ये आपका पास्ता में आ जाएगा। पैसा तो आपका हर दिन हर रोज खर्चा होता है, बाकी इस प्रकार के मशीनें बार बार नहीं आता है। जो भी हमारे साहब को, जो भी हमारे भाई को इस मशीन को, दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसा बिजनेस करूं जो कम पूंजी से शुरू हो, एक ऐसा मशीन क्या आप लोग चाहते हैं कि एक ऐसा मशीन हो जो यार बिल्कुल सस्ता हो, ना उसमें तेल लगे, ना डीजल लगे, ना पेट्रोल लगे, ना बिजली लगे, वो हाथ से चलाने वाला हो, और आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो बिल्कुल नया हो, अलग अलग तरीके का, अलग अलग डिज़ाइन का प्रोडक्ट बनाएं, है ना? क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, और जो मैं ये मशीन आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरे साइड में जो ये मशीन चल रहा है, ठीक है, इस मशीन को आप ख़रीद करके और इसको अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है इसका बेच सकते हैं, या चाहें तो उसको अलग अलग बना करके बेच सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि यदि आप मशीन बेचना है तो मशीन भी बेचिएगा यार, 50 रुपये कुछ बड़ी चीज़ नहीं होती है। एक पीस, एक मतलब ऐसा मशीन जो 50 रुपये मिलता है यार, है ना, और वो अलग अलग डिज़ाइन से माल तैयार करके और सेल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो बना करके भी सेल कर सकते हैं, और नहीं ऐसा करना है तो आप मशीन को भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, सोचने से कुछ नहीं होगा, जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, आपके सामने है, ठीक है। अगर आप सोचते ही रह जाएंगे कि मैं ये करूँगा उस समय करूँगा, इतना पैसा हो जाएगा तब करूँगा, दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपके साथ वाले आपसे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे हो जाएंगे। बाद में आपको या हमको किसी को भी ये पछताना पड़ता है कि काश मैं वो कर लिया होता, और उस समय पछता कर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि समय जो है वो निकल चुका होता है, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों से इतना सा कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और इस मशीन के अगर डिटेल में आपको जानना है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल में सर्च करके इस मशीन को आप खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अगर वैसा नहीं मिलता है तो अपने नज़दीकी आसपास के क्षेत्रों में पता कीजिएगा, ये जो मशीन है ये अपने आपके आसपास क्षेत्र में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता होगा, ठीक है। वहाँ से इसको मंगा करके आप घर से स्टार्ट कीजिए यार। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग डाई सेट करके आप अलग अलग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, 50 रुपये के ही मशीन में, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा,
तो इसीलिए मैंने इसका वीडियोस बनाया जा करके और आप लोगों को दिखाया। यदि आपको भी ये पसंद आया तो यार मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जी, ठीक है, उसका नाम है आर के टूल ब्लॉग्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, तो आप उसको भी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर भी अपना प्यार दिखाइए। अगर इस चैनल के साथ अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है तो उसके साथ हम रहेंगे, उससे उसके साथ, उस पर भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, उस पर भी बिजनेस आइडिया ही आपको मिलते हैं। और ज़्यादातर मैं तो अपने बारे में उतना क्या बताऊँ, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है, तो उस पर मैं बिजनेस का आइडिया अगर मतलब रहेगा चैनल तभी तो उस पर देंगे ना, तो उसको भी जा करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, तब तक ले जय हिंद और वंदे मातरम।